प्रेम शुक्ला जी तीसरा वचन भी पूरे करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या ये मानकर चला जाए विधि आयोग का परसों का सर्कुलर? देखिए तो हमारा संकल्प है और ये संविधान निर्माताओं का संकल्प है, स्वतंत्रता संग्राम के बाद मिली स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने संविधान सभा में जो शामिल हुए थे उन सारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता को यदि स्थान दिया तो क्या वो सांप्रदायिक लोग थे? अगर हम बुनियादी सिद्धांत में समता है तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर समान आपराधिक संहिता पर किसी को आपत्ति नहीं है तो समान नागरिक संहिता पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और ऐसे में अगर हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समान नागरिक संहिता पर विमर्श प्रारंभ करते हैं तो इस पर तो जो सांप्रदायिक व्यक्ति होगा, जिसकी सांप्रदायिक विकृति सोच होगी, वही उसका विरोध करेगा। जिसको जो है समता मूलक जिसकी भी सोच होगी, समता मूलक सोच का व्यक्ति समान नागरिक संहिता का विरोध कैसे कर सकता है? एक राष्ट्र में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग जो है नागरिक संहिताएं कैसे हो सकती हैं और क्यों होनी चाहिए? अगर आपराधिक संहिताएं एक हैं तो नागरिक संहिताएं अलग क्यों होनी चाहिए? उसका क्या कारण है और उसे क्या लाभ होगा? ठीक है, सीधे अजीत खानसेंसी का जवाब ले लेते हैं। बताइए जब आपराधिक संहिता एक है तो फिर अगर विधि आयोग उस पर अपना लोगों से प्रस्ताव मांग रहा है, सुझाव मांग रहा है, तो जाकर सुझाव दीजिए आप। ठीक है डॉक्टर अजीत खान साहब बताइए, अगर आपराधिक संहिता एक है तो नागरिक संहिता एक क्यों नहीं होनी चाहिए? सीधा जवाब दीजिएगा अजीत खान साहब। जी देखिए दीपक भाई, दो तीन बातें बड़ी अहम है। अभी जो टैगलाइन चल रहा है कि साहब तीसरा वचन भी पूरा करने जा रहे हैं, साहब सारे वचन पूरे हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सारे वचन पूरे हो गए। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वायदा किया था, पूरा हो गया, कहीं कुछ बचा नहीं। स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया था, बन गया, पूरे देश में तमाम स्मार्ट सिटी बन गए हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज बन गए हैं, तमाम एम्स खुल गए हैं, सारे काम हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बुलेट ट्रेन भी चल गया है, तो काम तो सारे हो गए, अब यूसीसी रह गया है, इसे कर ले, क्योंकि जब तक ये यूसीसी नहीं लागू करेंगे तो 2024 का चुनाव कैसे जीतेंगे, कैसे ध्रुवीकरण होगा, कैसे लोगों में हिंदू और मुसलमान की बात आएगी, लोगों के जहन में कहीं ना कहीं तमाम तरीके की बातें। आप उनको ये मौका क्यों देना चाहते हैं? आप बोलिए मुसलमानों को कि माने समान नागरिक संहिता, हमारे संविधान के अंदर है, ये संविधान सभा में कहा गया है, बोलिए ना आप मुसलमानों को, दिक्कत क्या है अजीत खान साहब? आप क्यों इनको मौका दे रहे हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम करके वोट पा जाए? मत दीजिए मौका, समझाइए मुस्लिम समाज को कि यूसीसी मान ले। सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए, ऐसा है कोई भी मुसलमान यूसीसी का विरोध नहीं कर रहा है। आप नहीं करते, मुसलमान यूसीसी का विरोध नहीं कर रहा है। एक मिनट, लेकिन डॉक्टर अजीत खान साहब आप कहिए, मैं सर सुनिए, डॉक्टर अजीत खान एक मुसलमान यूसीसी का विरोध नहीं करता, इतना कह दीजिए, मेरे लिए काफी होगा। सर सुनिए ना, ये कह रहे समान नागरिकता। अरे सर मेरे समान मेरी बात तो दोहरा दीजिए, समान इस मुल्क में कि मैं अजीत खान समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता यूसीसी का विरोध नहीं करता, इतना कह दीजिए। अरे सर मुझे बोलने तो दे सर, कंप्लीट ही नहीं करने देंगे बात, तो कैसे कंप्लीट होगी? सर मैं तो कहना चाहता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, समान अधिकार लोगों को दिया, एक बार दोहरा के तो बता दीजिए। अरे सुनिए ना सर, आ रहा हूँ ना, यूसीसी का कोई विरोध नहीं करेगा और ना कोई करता है। पहले इस मुल्क में आर्थिक और सामाजिक तौर पे जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक मिनट, अजीत खान साहब नहीं करते, सवाल पूछना पड़ेगा, बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैं पूरा बोलने का मौका देता हूँ अजीत खान साहब, मेरी आदत आप जानते हैं, पर आपने एक मौजूद सवाल उठाया। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि यूसीसी का कोई विरोध नहीं है, मुस्लिम समाज से कोई विरोध नहीं करता, दानिश कुरैशी करते हैं, क्या यूसीसी का विरोध है? बताइए दानिश। देखिए बात विरोध की और सहयोग की नहीं है, बात यह है कि देश में एक प्रकार का धर्म है, एक तरह के लोग हैं, एक तरह की सोच है, एक तरह का वो है जो समानता जो है वो आपको असमान बिल्कुल नजर आएगी। मैं धर्म से मुसलमान हूं, आप किसी और मजहब से होंगे, तो हमारी जरूरतें भी सबकी अलग अलग हैं। अब यूसीसी के नाम पर जो थोपने की राजनीति की जा रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर फोकस करने के बजाय। जी दानिश कुरैशी जी, आप यूसीसी के समर्थन में या विरोध, ये तो बता दीजिए मेरे भाई,
हम क्यों समर्थन करने लगे भाई, देश में जो विविधताएं जो है, हमारी जो हमारा कल्चर जो है, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, वो कैसे वो कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, बताइए आप किस आधार पे कर देंगे। अच्छा सर, जो रूढ़ी है मेरे, जो शरिया वाली आपराधिक संहिता भी लागू कर दी जाए जो सऊदी अरब में चलती है मुसलमान समाज के लिए, तब आपको भारतीय कानूनों की जरूरत क्यों पड़ती है? सुनिए सुनिए सुनिए, आपको बड़ा बड़ा प्यार सऊदी अरब से जनता है, तो जितने लोग गए हैं पहले तो पूरी दुनिया से प्यार है, दिक्कत इतने, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इतना इतना हमको प्यार नहीं है, हम तो हम भारत में है और हमारे जो हक हकूक है वो हम हासिल कर यहीं से रहेंगे। काश हो पाते आप, और जिसका भी, सॉरी काश हो पाते आप, क्या कह रहे हैं फिर से रिपीट करिए आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपके समझने के लिए नहीं है, मेरे दर्शकों ने समझ लिया। अजीज खान साहब, आपने दानिश जी की बात सुनी, क्या नहीं है? नहीं नहीं दीपक जी, ये तो बात ठीक नहीं है, मतलब आप हमें नहीं वो करेंगे तो समझ में क्या बात कैसे आएगी, आप आधी आधी अधूरी बात कहेंगे तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। नहीं नहीं, मैं आधी अधूरी बात नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर अजीज खान। दीपक जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, मैं बात रख रहा हूँ। दीपक जी कंप्लीट करूँ अपनी बात? हाँ करिए करिए सर जी। ये विरोधी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, आप समर्थक है, अब आप बताइए क्यों ना आए ये? नहीं अरे सुनिए ना सर आप, अरे सुनिए ना सुनिए ना, समर्थक और विरोध का मैटर नहीं, समर्थन विरोध नहीं हो रहा है, यहां सच्चाई को बयान करने की बात है। हम दो तीन सवाल मेरा अहम है, ये मुल्क एक गुलदस्ता है, हर धर्म हर समाज के लोग इस मुल्क में रहते हैं, हम जानना चाहते हैं यूसीसी आप लागू करेंगे कैसे। पहला सवाल मेरा प्रेम शुक्ला जी से है, दक्षिण के लोग अलग मान रहे हैं, पूरब के लोग अलग मान रहे हैं, गुजरात के लोग अलग बात, अलग उनकी प्रथा और कल्चर है। सवाल इस बात का है कि इन कल्चर को कैसे आप समाहित करेंगे? अरे कल्चर को कौन बदल रहा है भाई, ये चाहते कर कुछ नहीं पाएंगे सर। अरे सुनिए, कल्चर कहां से आ गया सर, कल्चर को कौन सा बदलने की बात है? कौन कह रहा है कि अपना खान पान बदल लीजिए, कौन कह रहा है कि अपना जीवन स्तर बदल लीजिए? सबको ये समान नागरिक का अधिकार देंगे ना? हम जानना चाहते हैं यस्सी समाज को या मठों में और मंदिरों में उनको 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 रखेंगे, आप एक काम करो ना सर, उनको पुजारी बनाएंगे, हम जानना चाहते हैं पुजारी बनाएंगे ना, ये यस्सी समाज को पुजारी बनाएंगे मठों में और मंदिरों में? भाई नहीं बनाएंगे, अजीज खान साहब हैं, वो समान नहीं, दलित पुजारी भी है, दलित शंकराचार्य बनाने की भी बात हो रही है, सुनिए ना सर, और कई दलित सन्यासी है। अरे सर सुन तो ले सर, मेरा सवाल है कि गाय हमारी माता है, हम उसकी पूजा और आराधना करते हैं उत्तर प्रदेश में हमारे लोग, हम जानना चाहते हैं जहां इनको सूट करता है वहां पर गौबद्ध जायज है, और जहां पर इनको सूट नहीं करता वहां गौबद्ध जायज नहीं है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। अब ये खान साहब, अब आपका पेट भर गया होगा बोलने से, कुछ नहीं चाह रहे सर, बहस करते हैं ना सर। अरे सर अभी शुरू हुआ है, देखिए इनका इनकी इनकी कुंठा का आलम यह है कि ये समान नागरिक संहिता को सांस्कृतिक समझ रहे हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि इनकी समझ कितनी जो है लचर है। मित्रवर कृपा करके इस बात को समझ लें कि गुजरात हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, हर किसी से विधि आयोग ने सुझाव मंगाया है, अजीज खान भी सुझाव दे सकते हैं जाकर वहां, देंगे, तो देंगे, विधि आयोग को सुझाव देने में क्या कष्ट है, विधि आयोग को जाइए आप सुझाव दीजिए कि भाई इसमें जो है ये इस तरह से लागू कीजिए। आपराधिक संहिताओं में भी विविध जो है पंथों में विविध रजवाड़ों में आपराधिक संहिताएं भिन्न भिन्न थी, लेकिन कालांतर में जब इस देश ने एक आपराधिक संहिता 19वीं सदी में स्वीकार की तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, सबने उसको स्वीकार किया। कोई ये नहीं कहता कि चोरी करने पर हाथ काट दो, चोरी करने पर हाथ काटने की बात अभी जो है आपराधिक संहिता की बात आदरणीय दीपक चौरसिया जी ने की, तो आप दोनों पैनलिस्ट उस पर मौन साध गए, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये वृत्ति जो है वो नहीं चलेगी इस देश में। अगर हिंदू महिलाओं को अगर अधिकार हैं विरासत में जिस तरह के अधिकार हैं, ईसाई महिलाओं को जिस तरह से अधिकार हैं, जैन बौद्ध सिख महिलाओं को जो अधिकार हैं, वो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए? ये अगर प्रश्न मुस्लिम महिलाओं की लैंगिक जो है समता का प्रश्न अगर संविधान निर्माताओं के समक्ष आया और संविधान निर्माताओं ने अगर समान नागरिक संहिता को इस देश के नीति निर्देशक तत्वों में रखा, विविध सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में अगर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात आई, तो अजीज खान साहब न तो संविधान निर्माता सांप्रदायिक थे न सुप्रीम कोर्ट के जजेस सांप्रदायिक थे। तो कृपा करके जो है लोगों को बहकाने का जो आपका लंबे समय से प्रयास रहा है उससे बाज आएं।